वेरी गुड एंड फास्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा ये जो ब्लॉग मैं डालने चाह रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, आप इसको फुल देखोगे और आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो आज मेरा ऑफ डे है और ऑफ डे की मैं शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों से पिछले दिन की। तो मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मेरी वर्किंग लोकेशन से इस तरह से एयरप्लेन जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो मैं भी बस यही देखता हूँ कि कब मेरे भी एयरप्लेन से मेरी फ़्लाइट होगी इंडिया के लिए वापस। मैं भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की, क्या है आज के ब्लॉग में। तो हर ब्लॉग की तरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो मेरी लोकेशन है, अकोमोडेशन है, वहाँ से मुझे पड़ता है धनु मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक। तो ये मैं पहुँच गया हूँ धनु मेट्रो स्टेशन में और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इवनिंग के टाइम का व्यू भी मैं दिखा देता हूँ। इवनिंग के टाइम में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। बाकी चलो चलते हैं अब अंदर धनु के, और धनु मेट्रो स्टेशन से ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और मेरा जो ब्लॉग होता है वो भी स्टार्ट होता है। तो धनु को मैं ज़्यादा तो खैर नहीं दिखाना चाहता हूँ, बाकी अंदर से हल्का फुल्का दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इस तरह के मेट्रो स्टेशन रहते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते हैं। इस चीज़ को तो मैं आपके लिए सामने देखिए, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अपने मेट्रो कार्ड को यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा क्रेडिट बैलेंस डालता हूँ, क्योंकि जब बैलेंस नहीं होगा तो उसके बिना कैसे आप कर पाओगे अपने ट्रैवल को। और ये देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इन पर्सन से आप डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने किस तरह से जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म से मेट्रो लेनी है और कौन कौन से मेट्रो स्टेशन पे एग्जिट करना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, तो ये हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं अच्छे से। तो डरना नहीं है यार, आप एक इमिग्रेंट हो यहाँ पे, तो आपकी यहाँ पे मदद करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहुँच चुका हूँ मैं भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 में, और यहाँ पर देखो खाली है इस टाइम पर, क्योंकि ये इवनिंग के टाइम की बात है, मे बी 9:30 बजे की। बाकी ज़्यादा तो खैर क्या ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में। बाकी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कुछ बंदों की कि नाइट के टाइम में आप जाइएगा थोड़ा बाहर सिटी वगैरह साइड, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि सिटी किस तरह की नज़र आती है दुबई की। तो ये देखिए, नाइट में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। और सबसे मेन वही चीज़ ना, कि अगर आपकी जेब में पैसा है, मनी है, इफ़ यू हैव अ मनी देन यू कैन डू एनीथिंग। तो पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो शाम के टाइम पे ये मैंने टैक्सी बुक की हुई है, तो ये है टेस्ला। और टेस्ला की खास बात देखो आप लोगों के सामने है, इसमें जो ये जो बड़ी स्क्रीन आप लोग देख रहे हो, इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन होती है। इवन जो साथ में साइड में गाड़ियाँ चल रही होती है ना, वो भी ऐसे दिखती है कि कितने डिस्टेंस पे है। बिल्कुल इसमें 360 कैमरा है, हर एक चीज़ मतलब आप लोगों को दिखेगी इसमें। बाकी दुबई की बात करूँ तो दुबई की जो सिंपल टैक्सी है ना भाई गुरु, वो भी मतलब इतने हाई फाई मॉडल से स्टार्ट होती है ना, जैसे लेक्सस होगी, ये टेस्ला होगी, और भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं यार वो यहाँ पे एज ए टैक्सी यूज़ करते हैं लोग। बाकी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने मुझे जीमेल पर डायरेक्ट मेल भी की थी मेरे सब्सक्राइबर ने, उन्होंने पूछा कि इसमें भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दुबई में। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो, मुझे सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आएगी तो मैं ज़रूर मतलब शेयर करूँगा, अपने चैनल पर भी दिखाऊँगा उस प्रॉब्लम को। और कुछ पर्सनली हुई तो मैंने डायरेक्ट, जैसे आप लोगों के पास ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम है, सॉरी मैं बीच में आप लोगों के लिए ओवर वॉइस कर रहा था यहाँ पे, और कॉल आ गई थी एकदम से अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए सॉरी यार। और हाँ, जैसे मैं शेयर कर रहा था, हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आई। बाकी जो लोग ये कहते हैं कि भाई दुबई में कुछ भी नहीं है, देखो तो वो अलग अलग सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है, बंदे ने किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जीना है। मैंने आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल भी दिखाया है यहाँ पे, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ कोई हाई फाई मतलब बड़प्पन मतलब वो दिखा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना इन्जॉय तो कर रहा हूँ यार। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मतलब जो नहीं जाते यहाँ पे। हाँ डिपेंड करता है कि यार जो बंदा है उनको लोकेशन कैसी मिली हुई। मुझे अच्छी लोकेशन मिली हुई, थैंक्स गॉड की जॉब भी मुझे अच्छी मिली हुई है यहाँ पे, जो मेरी लोकेशन है वो भी अच्छी है। क्योंकि आप लोगों के सामने देखिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर, कभी कभी तो देखो डेली बेसिस पर मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन मतलब सिटी की तरफ जाता हूँ, घूमने जाता हूँ और आप लोगों के लिए चीज़ें नए से नया ब्लॉग लेकर आता हूँ। तो ये बात है। बाकी ये भी कमेंट आ रहे थे कि आप लोग, आपने बताया नहीं कि भी यहाँ जॉब वगैरह है। देखो यार, अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को ईमेल एड्रेस भी दे दूँ या वो भी दे दूँ, डायरेक्ट मतलब कंपनी के मतलब पास जाऊँ और वहाँ पर कुछ वगैरह वगैरह, तो हाँ वो मुझे ज़रूर बता देंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को लास्ट फाइनली बताता हूँ, जब तक आप अपनी तरफ से अपना फुल डेडिकेशन फुल
100% नहीं दोगे ना किसी भी चीज़ के लिए यार, तो आपको जॉब लगने वाली नहीं है, इतनी आसान नहीं रहती है चीज़ें। देखो एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, जो बंदे सिलेक्ट होते हैं ना लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू, या किसी भी मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म में जो जहाँ पे आपका सीवी पड़ा हुआ है, तो उनका सीवी क्यों सिलेक्ट होता है? क्योंकि वो बंदे हार नहीं मानते भाई, वो अपडेटेड करते हैं चीज़ों को। अब वो मेरी आप जैसे कोई आपका भी फ्रेंड होगा या फैमिली मेम्बर होगा यहाँ दुबई में, उसके भी अच्छे खासे लिंक्स भले ही होंगे, लेकिन जब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ मतलब ना, फाइनल इंटरव्यू तो आपने ही देना है दोस्तों, फाइनल इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आपकी जो पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑन मेन मोस्ट थिंग आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है चीज़ें, तो इन चीज़ों को समझो। हाँ बाकी दिखाने को मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ डाटा, मैं कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मतलब जाऊंगा और जरूर जॉब के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मैं लाकर दूंगा आप लोगों को। और एक दिन मैं ये वाला क्लिप भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक दिन मेरा जो व्हीकल है मेरे कंपनी का वो मुझसे छूट गया था, तो मुझे लैक्सिस बुक करके जाना पड़ा अपनी जॉब लोकेशन पर। तो मेरी बात हुई उस दौरान ड्राइवर से, तो मैंने उनसे पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह किस तरह से बनते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है। मैं आप भी तो सर्वाइव कर रहे हो, मैं भी सर्वाइव कर रहा हूँ, हर बंदा सर्वाइव कर रहा है। आप हाँ अपनी कोशिश करता है। हाँ वो तो खुदा है फिर, खुदा से बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकता। यार मैंने अभी ना लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे। बाकी मैं अपने इंडिया में मतलब मैं छोटा सा था, तो मेरा ओवरऑल मतलब जो लाइसेंस पुराना है वो हो गया। खुदा ही परफेक्ट है, खुदा से बड़ा और क्या चीज़ हो सकती है। इंसान तो एक छोटा सा चीज़ है, भले ही ये पैसों का क्या है यार, पैसों दो दिन का खेल है, किसी के पास बड़ा है ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है बेचारे के पास। देखो किस तरह से दुबई में आप भी तो सरवाइव कर रहे हो, मैं भी सरवाइव कर रहा हूँ, हर बंदा सरवाइव कर रहा है। आप हाँ अपनी कोशिश करता है। हाँ वो तो खुदा है फिर, खुदा से बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। यार मैंने अभी ना लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे। बाकी मैं अपने इंडिया में मतलब मैं अपने अब फिफ्थ क्लास से मतलब जब मैं छोटा सा था, तो मेरा ओवरऑल मतलब जो लाइसेंस पुराना है वो हो गया, पुराना लाइसेंस है मेरे पास LMB का। तो मैं किस तरह से करूँ और क्या खर्चा बैठेगा मुझे और किस तरह से प्रोसीजर रहता है? आप पहले ड्राइविंग की हुई है? मैं बहुत बताने से ड्राइविंग कर रहा हूँ। नहीं अभी यहाँ पे नहीं किया। हाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया का लाइसेंस इधर वो थोड़ी आपको चाहिए बेसिकली, इधर का ही लेना, टोटली क्लास लेना, टोटली इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करना। तो ये अगर आप उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपको एक पैकेज देंगे। अच्छा इसमें इतना पैसा लगेगा और इसमें आपको इतना मिलेगा, टेंट मिलेगा, कच्ची ट्राई का इतना होगा, अच्छा पक्की का इतना होगा, जो RTA वाली होती है पक्की बोलते हैं, जो कच्ची है वो स्कूल वाली। तो जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का रहता है, वैसा लग रहा है कि लाइट का ही है थोड़ा बहुत, और कि लाइट के ऊपर थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा कि भाई हाँ रोड पे चलती बार, और तो कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया पाकिस्तान के रोड, यहाँ से ज्यादा मतलब डेंजर है आपको पता ही है। सिर्फ बंदे का कॉन्फिडेंट लेवल चेक करते हैं। अच्छा अच्छा गाड़ी चलाने का। अगर आप परफेक्ट उनका जो उनके जो चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं, मिरर चेक करना, हेड चेक, ये वो। अच्छा मिरर और ये, अच्छा आउटसाइड वाले मिरर भी।